फ्रेंड्स, आज मुझे न्यू टॉपिक्स लेके आए हैं फिर से जीएस में। बात करते हैं दर्रों की। भारत में देखिए क्या होता है कि भारत में जो दर्रे होते हैं, मतलब ये दर्रे होते क्या है, पर ये जाने दर्रे वो होते हैं जो पर्वतों के बीच में एक संकरा रास्ता होता है, जिसको नैरो वे बोलते हैं। एक संकरा रास्ता होता है जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है, जो नदियों का प्रवाह होता है पहाड़ों के बीच से। तो क्या होता है, वो ये जो है क्या कटती हुई चली जाती है। जो वो रास्ता बनता है ना, उसको हम बोलते हैं दर्रा। मतलब पहाड़ों के बीच से रास्ता निकलता है तो वो दर्रा कहलाता है। तो हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि ये चीज़ आपकी अफगानिस्तान है, ये है पाकिस्तान, और इधर आपका चाइना हो गया, ये एरिया आपका चाइना में आता है, इधर तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, इधर आपका ये जो एरिया है आपका बांग्लादेश हो गया, नीचे बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर इधर अरबियन सी हो गया, इसको अरब सागर कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है ये, और अच्छा दिशा की बात कर लो तो ये नॉर्थ साइड, ये आपका जो ऊपर का ये जो सीमा होती है यहाँ से नॉर्थ साउथ, आपको पता होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारी दिशा हो गई। अब इसके आधार से हम बांटते हैं। आज हम दर्रों की बात कर रहे हैं, तो दर्रों में ध्यान रखिएगा सर, तो ये भारत को दो, मतलब भारत के भागों के दर्रों के बारे में जानेंगे हम, तो दो पार्ट में बैठते हैं। पहला हम ये बात कर लेते हैं कि भारत में उत्तरी भाग में, उत्तरी भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तरी भारत की बात कर लेते हैं, और एक दक्षिणी भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तरी भारत की और दक्षिणी भारत की, तो हम ये देख लेते हैं कि उत्तरी भारत में कौन कौन से दर्रे आते हैं हमारे, और फिर नीचे के पार्ट में आएंगे कि दक्षिणी भारत में कौन कौन से दर्रे आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं उत्तरी भारत की। तो उत्तरी भारत में कौन कौन से मतलब कि दर्रे आते हैं, बात करते हैं दर्रों की, तो कौन कौन से दर्रे आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, सबसे ऊपरी हिस्सा का ये है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से दर्रे आते हैं ये देख लेते हैं हम। तो इसका एक ट्रिक बनाया गया है, देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये रहा आपका, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, देखिएगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक ट्रिक लगाना है और बहुत अच्छे से याद रहेंगे, सारे दर्रे याद रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो पीर का बाबू है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम ये याद करेंगे कि कौन कौन से दर्रे हमारे भारत में पाए थे, उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो पहले जो से आप ले लेंगे यहाँ पे, जो से जोजिला दर्रा, जोजिला जोजिला दर्रा आता है। पीर से आपका पीर पंजाल दर्रा है। का से हम बात करें तो कराकोरम, और ब से बात करो तो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। अबू से आपका क्या है, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ये हमारे देखो कितने दर्रे हमारे जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। देखिए एक बार फिर देखिएगा, ट्रिक देखिएगा इसका, जो पीर का बाबू है, जो पीर का बाबू है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जो से बना जोजिला दर्रा, पीर से बना हमारा पीर पंजाल, का से बना कराकोरम, बा से बना आपका बनिहाल दर्रा, अबू से बना बुर्जिल दर्रा। ये पांच दर्रे जो है हमारे कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जो कि है हिमाचल प्रदेश का। हमने जम्मू एंड कश्मीर देख लिया, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट की, जिसका नाम है HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं देखते हैं। देखिए इसका क्या होता है, सबसे बड़ी बात करते हैं आपके हिरोशिमा दर्रा, मैं इसका शॉर्टकट दिखा है हिरोशिमा बड़ा, ये ध्यान रखें हिरोशिमा बड़ा। अच्छा बात करते हैं हिरोशिमा बड़ा में ये कौन सा ट्रिक है, ये भी देख लेते हैं। तो ही से बना आपका हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आर से बना रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। सी से हमारा सिकिला दर्रा है, और बड़ा से हमारा बनेगा बड़ा लापचा दर्रा, बड़ा लापचा दर्रा। ये तीन दर्रे जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। यही से हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे,
तो हमारा आएगा उत्तराखंड, यूके। यूके की बात कर लेते हैं, तो यूके की बात, उत्तराखंड की बात करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जगह है आपका? हिरोशिमा बड़ा। हिरोशिमा बड़ा में आपने समझ लिया होगा कि ही से आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आर से आपका रोहतांग दर्रा हो गया, सी से आपका सिकिला दर्रा है, और बड़ा से आपका बड़ा लापचा दर्रा है। ठीक है, ये तीन दर्रों की बात हो रही है, थोड़ी कम पड़ गई है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर में हमने आपको एक ट्रिक दे ही दिया है। जम्मू कश्मीर का ट्रिक भी आप लोग को बताया जा चुका है कि जम्मू कश्मीर कौन कौन से ट्रिक होते हैं, उसको भी आप देख लेंगे। जो पी है मतलब क्या दिया पे जो पीर का बाबू है, तो हमने बताया था कि जो जिला दर्रा है पीर से पीर पंजाल आ गया, कहा से करा कोरम आ गया, बस से बनिहाल दर्रा आ गया, वो से भुजल दर्रा आ गया। अब बात करते हैं हिरोशिमा का। ये जो है ऐसा हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें हिरोशिमा बड़ा है, हिरोशिमा बड़ा यानी कि ही से आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और रो से आपका रोहतांग दर्रा हो गया, सी से आपका सिकिला दर्रा हो गया, और बड़ा से बड़ा लापचा दर्रा हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा नीचे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है उत्तराखंड। ये उत्तरी भारत के दर्रे हैं, अभी हम उत्तरी भारत के दर्रों को पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। तो यूके में जो आपका आता है इनका देखिएगा, इनका शॉर्टकट ट्रिक है उत्तरी नीलिमा, उत्तरी नीलिमा, ये दिया है। उत्तरी से आपका बन गया उत्तराखंड, उत्तराखंड ये हो गया। अब बात करें नी से, तो यहां पे नीति दर्रा, ली की बात करें तो लिपुलेख दर्रा है, और मा से करें तो माना दर्रा। ये तीन दर्रे यहां पाए गए उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करिए तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं आपके ध्यान के, उत्तरी नीलिमा इसका शॉर्टकट है, तो उत्तरी से उत्तराखंड हो गया, नी से आपका नीति दर्रा हो गया, ली से आपका लिपुलेख दर्रा हो गया, और माना से आपका मा से माना दर्रा हो गया। ये रहे हमारे उत्तराखंड के दर्रे। अब हम बात करते हैं कि इन दर्रों में क्या क्या खासियत है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।